हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय ब्लॉग संजीव एंटरटेनमेंट मैक्स। और मैं जा रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश नाग मंदिर, वहाँ का व्यू आपको दिखाएंगे। तो काफ़ी सुना हूँ कि नाग मंदिर जो भी जाते हैं वहाँ पे मन्नतें पूरा होता है, तो मैं पहली बार जा रहा हूँ आपका नाग मंदिर। तो देखते हैं वहाँ पे, नाग मंदिर में बोलते हैं कि जो भी जाता है तो मन्नतें पूरा होता है। तो आज मैं जा रहा हूँ, फ़िलहाल अभी मैं पहुँचने वाला हूँ आपका भालेपुंग, और वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ। तो लाइफ में कभी मैं गया नहीं वहाँ तक अरुणाचल, तो पहली बार जा रहा हूँ। और दिखा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, मज़ा आने वाला है और अलग सा कुछ आपको हम दिखाने वाले हैं। प्लीज़ गाइस, आप लोग का सपोर्ट और प्यार चाहिए, और आप लोग ही मेरे को सपोर्ट करने से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको और नए नए कुछ जगह दिखाएंगे, और नए जो नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग ही सपोर्ट करने से मेरे को, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। फिलहाल अभी पहुँचने वाला भालेपुंग गेट। बस अभी हम लोग भालेपुंग पहुंचने वाले हैं। बस अभी देख सकते हैं आगे का, ये पड़ता है आसाम, पड़ता है इधर में। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आसाम में ही हैं, तो अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग का जाएंगे अरुणाचल, तो आपको हम दिखाएंगे वहां का। तो अभी बस हम लोग पहुंचने वाले हैं, अभी आपका भालेपुंग मेन गेट है, वहाँ से गेट में आपको कैसे आपका पास बनाना पड़ता है वो आपको हम डिटेल्स में बताएँगे। तो सबसे पहले आपको ये जो है, यहाँ पे भी आप गेट पास बना सकते हैं, अरुणाचल के लिए पास बना सकते हैं, या तो आप तेजपुर में बना सकते हैं। तो वहाँ पे अरुणाचल का जो है आपका ऑफिस है वहाँ पे, तो वहाँ बना सकते हैं। बस अभी हम लोग का भी गेट है, देख सकते हैं गेट। अभी फ़िलहाल हम लोग हैं भालेपुंग के गेट के सामने। बस अभी हम लोग को उधर में, अभी उस तरफ पड़ता है अरुणाचल, इस तरफ पड़ता है आसाम। तो गाड़ी ट्रक है आगे हम लोग का, तो उनका भी गेट पास ही बन के ही वो जाते हैं, दिखाना पड़ता है। या तो सर्विस वाला जो बंदा है तो वो भी पास, जैसे आई कार्ड दिखा के वो भी मतलब जा सकते हैं। तो जैसे जिसका आई कार्ड नहीं है, जो सर्विस वाला बंदा नहीं है, तो यहाँ पर पास बनता है। तो 15 डेज़ के लिए भी बना सकते हैं आप, घूमने के लिए, टूर के लिए जा सकते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे बना सकते हैं आप। तो फ़िलहाल अभी हम लोग अरुणाचल पर एंट्री कर चुके हैं, देख सकते हैं। तो ये पड़ता है अरुणाचल। तो हम लोग बस अभी जा रहे हैं कहाँ, आज हम नाग मंदिर जा रहे हैं। भगवान हमें बुलाएँ कि आप हमारी दरबार में, इसलिए हम हमारे साथ टीम जा रहे हैं, साथ में साथ ही हमारे जुगे साहब है, संजीव साहब है। आज भगवान शंकर जी का इच्छा है कि हम लोग वहाँ उनका दर्शन करने आए, ऊपर वाले बुलाए कि आइए हमारे घर पर। पता नहीं कितने सालों से इच्छा था कि आज वो इच्छा पूरा होने जा रही है, इससे खुशी और कुछ नहीं हो सकता। देख सकते हैं व्यू गाइस, इतना बढ़िया व्यू है। नदी है ये, देख सकते हैं। ये कौन सा नदी है? ये टीपी वाला नदी है, देख सकते हैं। यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत, इतना खूबसूरत कुछ है मत। तो जिया जी देखिए, हम लोग का जिया जी, आपको कैसा लगा जिया जी? मैं कितना खुशी महसूस हो रहा है आपका दिल में? इतना खुशी महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा से जवान हो गया हूँ क्या? तो देख सकते हैं, ऐसा नज़ारा देखने को मिलता नहीं, नहीं मिलता है। तो देख सकते हैं, ये देख लो मज़ा, वाह वाह वाह। तो देख सकते हैं यहाँ का व्यू, इतना खूबसूरत नदी है ये। साथ को भी ले लो, इधर ले के जाओ इनको। ये हम लोग का जुगे साहब का भी हम दिखाएंगे इनको, देख सकते हैं। फोटो ले लो सर, अब देख सकते हैं हम लोग फिलहाल अभी चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ का व्यू। तो सबसे खासियत यहाँ का आपका जो है मोड़, बहुत काफ़ी मोड़ है यहाँ पे, और बिल्कुल आपका जो है नदी का सामने सामने से ही ये रोड है यहाँ पे, देख सकते हैं। और अरुणाचल का सबसे पॉपुलर चीज़ है बम्बू टेंगा बोलते, ये जो बम्बू का बनता है, जो अचार बनता है यहाँ पर, वो काफ़ी मशहूर है यहाँ पर अरुणाचल में। तो यहाँ का पानी तो पूछिए मत, इतना बढ़िया पानी, यहाँ का फ्रेश पानी है, बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है। जो यहाँ से पानी जो आता है झरना से आता है, पत्थर से, पत्थर में आयरन बिल्कुल बिल्कुल है नहीं यहाँ पे।
तो पानी इतना बढ़िया पानी है पूछिए मत। और यहाँ पे थोड़ा जो मलुआ है, यहाँ पे रोड बन रहा है फिलहाल, यहाँ का जहाँ जहाँ आपको स्लाइडिंग हुआ था वहाँ का जो रोड क्लियर होकर बन रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वर्कर काम कर रहे हैं, पोकलिंग भी खड़ा है यहाँ पे, क्योंकि रोड जो है थोड़ा सा खराब हो रखा था, तो उनको मलुआ था रोड पे तो वो साइड कर रखा था। तो अब देख सकते हैं अभी फिलहाल हम लोग बस अभी जा रहे हैं, देख सकते हैं। लोग काफ़ी हाइट पे हैं, देख सकते हैं बिल्कुल बादल का सामने सामने हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं जैसे ही लग रहा है कि जनवरी महीना है, तो इसी तरह मौसम है आज, तो बिल्कुल ठंडी है, काफ़ी ठंडी है बाहर, तो इतने ठंडी है पूछिए मत। तो देखिए हम लोग पूरा खाई आपका नीचे देखिए, देख सकते हैं खाई खाई दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी फिलहाल ऊपर में देखेंगे तो आप पूरा बादल ही बादल दिखाई देगा, फॉग ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है देख सकते हैं। तो अभी जा रहे पहाड़ के सामने सामने से हम लोग गुजर रहे हैं देख सकते हैं, तो डर भी लग रहा है, लेकिन बोलते हैं ना डर के आगे जीत है, तो उसी तरह हम लोग जा रहे हैं। तो देख सकते हैं तो मौसम ऐसा बढ़िया मौसम है, तो यहाँ पे ठंडी है थोड़ा, तो हम गाड़ी शीशा काफ़ी बंद कर चुके हैं फिर भी लग रहा है ठंडी। तो बस देखिए मोड़ कितना मोड़ आपका देख सकते हैं, तो इधर नीचे देखेंगे तक पूरा खाई खाई, तो नीचे देखने से डर लगता है, काफ़ी डर लगता है। आपका सफ़ेद सफ़ेद सा रास्ता दिख रहे हैं, तो यही रास्ता से जाना पड़ेगा हम लोग को। तो लग रहा है देखने से तो बहुत भयंकर लग रहा है, डर लग रहा है, लेकिन कोई नहीं है, तो जाना पड़ेगा नाग मंदिर, तो नागदेव का दर्शन करने के लिए। बस देखिए कितना आपका पहाड़ में देख सकते हैं बर्फ़ कितना गिर रहा है यहाँ पर, तो बिल्कुल बादल काफ़ी बादल छा चुका है यहाँ पर। तो देखिए फाइनली अभी हम लोग नाग मंदिर पहुंच गए हैं, देख सकते हैं नाग मंदिर, हम लोग जहाँ पे आए थे यहाँ नाग मंदिर, तो देख सकते हैं नाग मंदिर। ए भाई चलो अभी अंदर जाते हैं, इसे इसे खोल के नाग बाबा का दर्शन करते हैं। भी निकले तो पहले अभी हम लोग थोड़ा हाथ मुँह धो लेते हैं, क्योंकि हम लोग हम धोते जाने से अच्छा है अंदर। यहाँ का व्यू देख सकते हैं जिया जी में, हम लोग दोनों ने हाथ पांव धो लिए, अभी अंदर जाएंगे दर्शन करेंगे, देख सकते हैं। ठीक है जिया जी हाथ पांव धो लिए, गाड़ी इधर में खड़ा है हम लोग का, अभी यहाँ पे कुछ हम लोग ने रखे हैं
दुपकटी सामान है, अगरबत्ती है, एकदम साफ चलिए, ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे प्रसाद भी है और फूल लिए हैं हम लोग ने, देख सकते हैं फूल लिए हैं हम लोग ने, क्या क्या सामान लिए हैं। पानी बिल्कुल चिल्ड पानी है। अभी हम लोग बस अंदर मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो जीजा जी मैं देख सकते हैं हवा की जय हो। अंदर जा रहे हैं, अभी देखते हैं हम लोग अंदर चढ़ रहे हैं, पूजा करते हैं भगवान का, माँ बाबा का। अंदर अभी जा रहे हैं, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आपको और दिखाएंगे। यहाँ पे हम लोग अभी अंदर आ चुके हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए, देख सकते हैं। आपको ये शुरू है यहाँ से
तो यहाँ से निकल के आगे जाएंगे, जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अभी नाग देवता का पूजा कर रहे थे हम लोग। अभी चारों तरफ आपको हम दिखाएंगे मंदिर, देखिए। यहाँ पे फोटो लेते हैं। गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अभी पूजा पाठ हो गया हम लोग का, तो अभी भी यहाँ से बस ये हम लोग रवाना हो रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और कोई न्यू ब्लॉग पे। और अभी हम लोग घर के लिए रवाना हो रहे हैं। अभी हम लोग सीढ़ी से उतर रहे हैं नीचे। अभी हम लोग जा रहे हैं टेंगा जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग गाड़ी में बिल्कुल अभी तेल कम है, तो पेट्रोल डालते हैं यहाँ पे जाके। यहाँ पे आपका जैसे नाग मंदिर के सामने कोई डिपो है नहीं, तो टेंगा आना पड़ेगा आपको, तो टेंगा में ही आप डाल सकते हो। और खाना वाना भी होटल है इधर में, बड़े बड़े खाना मिलता है यहाँ पे, वेज नॉन वेज भी आपको अवेलेबल है यहाँ पे। तो देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं कि तेल डाल के बस, और हम लोग को भूख भी लग रहा है तो खाना नहीं खाया सुबह से। तो अभी फ़िलहाल हम लोग खाना खा के फिर आपसे आएंगे। और ये जगह देख सकते हैं, बस बढ़िया जगह है। यहाँ पे उतना गर्मी है भी नहीं और ठंडी भी है नहीं, तो मीडियम है यहाँ पे जो क्लाइमेट भी है, बिल्कुल बढ़िया क्लाइमेट है यहाँ पे। तो बस अभी हम लोग आर्मी कैंप पार होकर अभी जा रहे हैं टेंगा। टेंगा बस अभी पहुँचने वाले हैं हम लोग, अभी बस 10 मिनट करीबन लगेगा यहाँ से पहुँचने के लिए हम लोग को फ़िलहाल। तो अभी बस हम लोग अभी जा रहे हैं, तो